इंडिगो लगाने के बाद बाल अक्सर ड्राई हो जाते हैं, रूखे सूखे बेजान से हो जाते हैं। इसी कारण से ज़्यादातर लोग इंडिगो लगाने से कतराते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि मैं भी इंडिगो यूज़ करती हूँ, मेरे बाल भी रूखे सूखे बेजान से होते हैं। बट मैं कुछ ऐसे हेयर मास्क यूज़ करती हूँ जिससे बालों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। पहले भी मैं आपके साथ बनाना हेयर मास्क शेयर कर चुकी हूँ, कुछ लोगों को बनाना सूट नहीं करता है, तो आज फिर मैं आपके लिए एक खास हेयर मास्क लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों में जान डाल देगा। इसे लगाने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना। मैंने रात को ऑयलिंग कर ली थी क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई नेचर के हैं और बहुत बेजान रूखे सूखे से लग रहे थे, तो पहले मैंने ऑयलिंग की और सुबह इस हेयर मास्क को लगाया। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके बाल भी काफ़ी ड्राई नेचर के हैं तो आप भी रात को ऑयलिंग कर लेना और सुबह बालों को अच्छे से सुलझा के इस हेयर मास्क को लगा लेना। इसे लगाने के बाद बालों को बांध लें, फिर शावर कैप जरूर पहनें, क्योंकि शावर कैप लगाने से आपकी स्कैल्प से जो हीट निकलेगी उस हीट की वजह से ये आपके बालों के क्यूटिकल्स में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा और अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। इसे आपने कम से कम एक घंटा अपने बालों में रखना है और उसके बाद बालों को शैम्पू से वॉश कर देना है। तो मेरे बालों में तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बाल स्मूथ हो गए हैं, बालों में चमक भी आ गई है। तो आप भी इसे ट्राई करके देखें और फिर अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बताती हूँ आपको इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आपने एक चम्मच लेना है चावल। चावल बालों की चमक बढ़ाता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ में डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है। अब इसमें एक चम्मच भरकर डाल देना मेथी दाना। इसमें आयरन होता है जो कि बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बालों को एक्स्ट्रा शाइन देता है। अब इन दोनों को अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। एक पानी से तो पहले मैंने वॉश कर लिया है, अब एक बार और इसमें पानी डालेंगे, फिर से इसे अच्छे से वॉश करेंगे। इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बालों के टेक्स्चर को इम्प्रूव करती हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हेयर है ना, तो उन्हें रिपेयर करेंगी और साथ में एक्स्ट्रा शाइन देगी। इसे यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब इन दोनों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें दो चम्मच भरकर अलसी के बीज डालने हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इसके साथ ही इसमें विटामिन बी और ई होते हैं जो कि बालों को सॉफ्ट बनाते हैं और शाइनी बनाते हैं। अब इसमें 2 गिलास भरकर पानी डालेंगे और इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब इसे हमने तब तक बॉयल करना है जब तक इसकी जेल ना बन जाए। तो जब तक ये बॉईल होता है, मैं सबसे पहले उन लोगों को बता दूं जो मेरे चैनल पर नए आए हैं। मैं हेयर केयर और स्किन केयर की वीडियोस के अलावा उन हैक्स पर वीडियोस बनाती हूं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते हैं और ये दावा करते हैं कि उनकी रेमेडी इंस्टेंट ब्लैक कलर देती है बालों में। तो मैं उनकी टेस्टिंग करके ट्रू रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती हूं। इसके अलावा जो लोग अपनी रेमेडी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और ये बोलते हैं कि आप इसे ट्राई करके दिखाओ इसका क्या रिजल्ट है, फिर मैं उन लोगों की रेमेडी को ट्राई करती हूँ, टेस्टिंग करती हूँ, फिर उसका भी ट्रू रिजल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, बातों ही बातों में जेल बनकर रेडी हो गई है। आपने फिंगर की हेल्प से चेक कर लेना है, जैसे ही तार बनने लग जाए गैस ऑफ कर देना है और इसे हम गरम गरम ही छान लेंगे, नहीं तो ये बीजों में अटक जाएगी और फिर जेल को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इसे आप चाहे तो मसलिन क्लॉथ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। मेरे पास ये एक बड़ी स्ट्रेनर पड़ी थी तो इससे जेल निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये जेल मैंने अच्छे से निकाल ली है, तो इस जेल को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और ये जो बीज बचे हैं ना, इसे आपने वेस्ट समझ के फेंकना नहीं है। सबसे पहले हम इसी का ही हेयर मास्क बनाएंगे। तो ये जेल हम अलग करके रख देते हैं। इसे आप कांच के कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, ये 15-20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अब ये जो बीज बचे थे ना, ये भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इससे पहले आप इसमें 1 गिलास पानी डाल देना। पानी डालने से इसका पेस्ट बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा, ये देखिए। अब इसे हम छान लेंगे क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स हैं ना, ये हमारे बालों में चिपक सकते हैं। तो सबसे पहले इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चाहे तो नेट का कोई दुपट्टा ले लेना या फिर मसलिन क्लॉथ ले लेना और उसकी हेल्प से आप इसे छान लेना। और ये सारे जब ग्रैनुअल्स अलग हो जाएँ तो हमारा जो महीन पेस्ट बनकर रेडी होगा ना, यही हमारे बालों में मैजिक करने वाला है। ये जो हेयर मास्क बनकर रेडी हुआ ना, ये किसी कैरेटिन से कम नहीं है। आप इसे यूज़ करके देख लेना। आप इतने महंगे महंगे कैरेटिन करवाते हो, इतने पैसे लगाते हो ना, तो घर पर एक बार इसे बनाकर अपने बालों में लगाकर देखना। कैरेटिन और हेयर स्पा तो आप बिल्कुल भूल जाओगे जब इसे यूज़ करोगे। और ये जेल भी ठंडी हो चुकी है, इसे मैं एयर टाइट कांच के कंटेनर में भरकर रख रही हूँ। फ्रिज में रखेंगे जिससे ये 15-20 दिन तक आराम से चल जाएगी।
आप कहोगे ये जेल मैंने फ्रिज में रखने के लिए बनाई है, नहीं भाई इसका हेयर मास्क बनाएंगे, पर अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि दोनों हेयर मास्क हम अपने बालों में एक साथ तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो जेल वाला हेयर मास्क है नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें भी कुछ खास इन्ग्रीडियंट्स ऐड करके हम अपना हेयर मास्क बनाएंगे। और जो हेयर मास्क बन चुका है आप भी उसे ट्राई करें और अपना रिजल्ट कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना।